कांगड़ा जिला के देहरा की हरिपुर तहसील की झकलेड़ पंचायत के छप्पड़ गांव में 19 साल की युवती के मामले में अभी मां और बेटा गिरफ्तार हैं। दोनों मां और बेटे को आज देहरा में जज के सामने पेश किया गया। उन्हें 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। बाकी लोगों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। वहीं युवती के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। युवती के पिता ने युवक अर्जित कुमार, उसके पिता, माता, बुआ और दादी पर आरोप लगाए हैं। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने मां और बेटे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बता दें कि झकलेड़ पंचायत के छप्पड़ गांव में 19 वर्षीय युवती ने 23 फरवरी को आत्महत्या कर ली। पूरा मामला 19 साल की युवती और 29 साल के युवक के प्रेम से शुरू हुआ था। 31 जनवरी के आसपास युवती अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने युवती को ढूंढ भी लिया। युवती की मां ने उक्त युवक पर बेटी के शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस ने युवती का मेडिकल करवा कर 376 आदि धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। जिस युवक पर युवती की मां ने आरोप लगाए थे, उसने युवती से शादी करने को हामी भर दी। शादी का कोई प्रॉपर तरीका नहीं अपनाया गया, बल्कि नोटरी हस्ताक्षर एफिडेविट बनाया गया। युवती ने केस वापस ले लिया। इसके बाद युवक के माता पिता ने युवती को बहू के रूप में अपनाने से मना कर दिया। युवक भी युवती को छोड़कर कहीं गायब हो गया। 19 फरवरी के आसपास परेशान युवती धर्मशाला में एसपी शालिनी अग्निहोत्री से मिलने पहुंची। एसपी ने धारा 164 के तहत युवती के बयान कोर्ट में दर्ज करवाने का फैसला लिया और इसके बाद आगामी कार्रवाई होनी थी। 23 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे युवती ने मायके में कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आत्महत्या के कुछ घंटों के अंदर ही युवक को ढूंढ निकाला, जो कि कहीं छिपा बैठा था। धारा 306 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। साथ ही धारा 376 मामला भी रीओपन कर दिया गया है, जो कि पहले दर्ज था। पुलिस को युवती की डायरी भी मिली है, जिसमें उसने उसके साथ क्या क्या और कब कब हुआ सब कुछ लिखा है। पुलिस इसे अहम सबूत मानकर चल रही है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।